उनके तरफ से 21 रुपया इनाम है। पार्टी को हार्दिक स्वागत है। ले चलो इसे। ठीक कहते थे। मैंने तुम्हें राज दरबार में ही समझा दिया था कि एक ना एक दिन ये बात तुम्हारे सामने आएगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और आज अपने आंखों से खुद देख लिया हो तुम। मैंने उस दिन छीसन की दशा को देखकर अपना भाई का प्यार याद आ रहा था, लेकिन आज इस भाई की इतनी घिनौनी जरूरत देखकर चलो किशन को हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज के दरबार आते हैं और क्या बात होती है आपको सीन बताएगी। पिताजी और एक गजब हो गया पिताजी, और आज महल दर सीन पर गौर करें। वही किसान जो जड़ी बूटी खाकर इस हालत में था, उसका धीरे धीरे नशा खत्म हो गया, अब वो होशो हवास में आ गया। आगे देखिए क्या होता है, आपको सीन बताएगी। किसान, अरे जरा किसान ने सोचा नहीं, लगा दिया तूने किसान, सोचा नहीं लगा दिया कुल में दाग, बन करके तू डस लिया अरे कालिया। अरे वो शर्मिंदा
रिश्ता हुआ है मुझसे पाप। शर्मिंदा मैं पिता हुआ है मुझसे पाप। अरे भूल से अपनी हो रहा है मुझको संताप। पिताजी हाँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी जो गलती मुझसे हुई वो अनजाने में हुई है। मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि मैं कैसे क्या कर गया। अरे तुमको हमने अपने बेटे की तरह पाला और तुमसे यही उम्मीद थी। पिताजी मेरी बातों पर आप यकीन नहीं करते हो। पिताजी अरे को जब से बिस्तर पे सोया पिता कर सतनी में अचाने लगा। अरे झूठ बोलू ना भैया मैं सच कह रहा। झूठ बोलू न चाचा मैं सच कह रहा। अरे कोड ना हक पिता तने बेचाने लगा। बकवास कर अब बहुत सुन चुका। अजी बंद बकवास कर अब बहुत सुन चुका। खून गंदा है तेरा किसान। नूर चश्मी बात मेरी सुन लगा कल ध्यान को। Oh!
पिताजी इसकी सूरत देखना माँ बाप है क्या हो भी इसे ले जाओ और जेल में डाल दो, इसकी कल सुबह फांसी होगी। सत्य कहते हो पिताजी? मेरे आदेश का पालन किया जाए। कल्लू ले जाओ इस हरामखोर को और डाल दो इसे कारागार में। ठीक है, खाना पानी कुछ न दिया जाएगा, कुछ नहीं मिलना चाहिए, केवल फल फलहारी दिन जी है। वहां बंद चलो, कोई बात नहीं भाई, कुछ न मिली। काल भैया तुम्हारा 10 बजे फांसी हुई, आप चलिए कारागार में। लेकिन पिताजी हर कोर्ट में हर अदालत में मुजरिम को भी बोलने का अधिकार होता है पिताजी। आज आपके इस भरे कोर्ट में आपका बेटा भी फरियाद करना चाहता है। पिताजी आप मुझे मौत की सजा देना चाहते हैं ना? हाँ। मुझे अपने मरने का कोई गम नहीं है पिताजी, गम है तो इस बात का है कि इस रियासत में आपके शान और शौकत पर धब्बा लग गया और मेरा भी सर शर्मिंदगी से झुक गया पिताजी। पिताजी अरे मुझको मालूम नहीं क्या से क्या हो गया, क्या हो गया और मेरी बातों पे विश्वास करिए पिता। मुझको मालूम नहीं क्या से क्या हो गया, आपने मुझको पाला बड़े प्यार से, मौत से करिए पापा जी मुझको पता। मैं फांसी की तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा, लेकिन जाते जाते एक मुराद ही पूरी कर दो। कैसी मुराद है? पिताजी आपने मुझे बचपन से पाला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आखिरी बार आपके चरण धूलि के दर्शन कर लूं। पिताजी पिताजी एक बार मुझे इजाजत दो, मैं आपके चरण धूलि के दर्शन करना चाहता हूं। जाओ कल्लू इसे ले जाओ और डाल दो साले को जेल में। जब इसकी कल फांसी होगी तो बात इतनी पूरी समझ में आ जाएगी। अरे माया के दीवानी जग में, अरे माया के दीवानी जग में लोग कैले घाती, अरे छूटी जाल बबुआ हमरे, अरे छूटी जाला भैवा हमरी, छूटी जाला बबुआ हमरी, अरे छूटी जाला बबुआ हमरी, बाबुल की खाती छूटी जाला।
आज पता नहीं राखी दीदी कहाँ। कल्लू। हाँ दीदी। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस किसी ने कभी मेरी तरफ नजर उठा कर नहीं देखा और उस किसान ने गंदी हरकत, न जाने मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही। अरे दीदी, जौने दिन ते तुम प्रसाद दई गई हो, जौने दिन और सोए के उठे हैं, पहले तो कमरा भरे, अब हमार शीशा ले अदर करी सी, ऐसी भागी वैसी भागी, बंद कैसी के जाई। मोदी दी जब ते प्रसाद खाए के उठे हैं, तब है दियो कुछ भावा है, हमका लगा प्रसाद तो नहीं कुछ गड़बड़ है प्रसाद में। हाँ भाई, ऐसे कबन है बिचारा उबाल रहे, और जब से प्रसाद तय गई दीदी सोए उठे पता नहीं का होएगा। इसका मतलब उस प्रसाद ही भी कुछ था। हमका शंका है कि वही प्रसाद में कुछ रहा। कल्लू, बोलो दीदी, समझ में आई कि किशन ने कभी मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा और आज किशन इतनी गंदी हरकतें मेरे साथ कर रहा है। कल्लू, इस वक्त किशन कहाँ है? इस समय किशन कारागार में है और सुबह 10 बजे उसकी फांसी है, महाराज का आदेश है। फांसी हो जाएगी? हाँ दीदी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी। किशन का हाल मेरी वजह से हुआ है, मेरी बदनामी हो गई है, गली गली में लोग मुझे कहते हैं कि किशन ने राखी को छेड़ा है। सच कह रही दीदी, ये सब कुछ हुआ मेरी वजह से। मैं किशन को फांसी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे सूली पर चढ़ जाना पड़े। एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, दगा दे जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला। महला बनायो, अरे बिस्तर लगा रह जाएगा, एक दिन चोला दगा दे जाएगा, एक दिन चोला दगा। गोपी भैया, नमस्ते। नमस्ते, क्या बताए, मेरा कुछ दिमाग नहीं ठीक है। मैं ये नहीं सोचा था कि मेरा भाई किशन ऐसी घिनौनी हरकत करेगा। पता नहीं क्या होएगा भैया, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि ना जाने, आज तक तो ठीक ठाक था लेकिन अचानक ना जाने उसे क्या हो गया। वही के गम में तुम हो आधे पागल हो गए। क्या करें, आखिर भाई मेरा है। सच कह रहे गोपी भैया, बैठने की व्यवस्था करो और हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। वाह किशन, क्या भाई का वसीला दिया है तूने। कभी नहीं सोचा था कि मेरा भाई ऐसा कुकर्म करेगा, कोई बात नहीं है। हाँ दोस्तों, इधर गोपी अपने गम में बैठ जाता है, किशन की हालत देखकर उधर मंत्री ज्वाला सिंह आते हैं, गोपी को क्या समझाते हैं आपको सीन बताएगी। धन्यवाद। युवराज, हम कुछ पूछना चाहते हैं। बैठे किस सोच में ए मेरे युवराज,
बैठे किस सोच में ए मेरे युवराज, और देख दशा आपकी चिंता होती। आखिर किस सोच में बैठे हैं? ये चिंता देखकर हमको चिंता होती है, क्या परेशानी है? महामंत्री ज्वाला सिंह मंत्री, तुमसे क्या कहूं? सुन रहे हो ना? मंत्री तुमसे क्या कहूं, इस अपने दिल का समझ में नहीं आ रहा है। समझ में? देखो, आपके पिताजी ने उसको फांसी का हुक्म दे दिया है, और रही तुम्हारे सदमे की बात, तुम्हें चिंता है। इस चिंता का मेरे पास एक उपाय है। कौन सा उपाय है? ना रहेगी चिंता और ना आएगी किशन की याद। हर मर्ज की दवा तो बनी है, लेकिन गम घम का कोई इलाज नहीं है। इलाज है मेरे पास। नहीं महामंत्री ज्वाला सिंह, मेरी चिंता दूर ही नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा दुष्कर्म किशन ने किया है। मानते हैं किया है, लेकिन तुम्हारी चिंता का कारण मैं सॉल्व करूंगा। क्या? हाँ। सच में? सच में। तो फिर देरी क्यों करते हो? बैठिए। राजकुमार गोपी, ये वो दवा है जिससे गम का इलाज होता है। इसे जब पियोगे तो सारे गम भूल जाओगे। ये शराब है? हाँ, शराब है। और तुम जानते हो कि इसको हम कभी होठों में लगाते नहीं हैं। मानते हैं, लेकिन गम भुलाने के लिए इससे बड़ी दवा और कोई नहीं है। तुम्हें गम भुलाना है ना, गोपी की याद दिल से भुलाना है ना, इसलिए इसका सेवन करना तुम्हें जरूरी है। इसको पीने से हर गम दूर हो जाता है? हर गम दूर हो जाएगा। तो फिर हम पियेंगे इसे। इसमें से झाग कैसे निकल रही है? लगता है किसी मत ला रहा है मेरा। चिंता न करो, एक घूंट पियो सब गलियारा साहब। सच कहता है तू? सारे गम दूर हो जाएंगे।
ना पीना हराम है, ना पीना हराम है, ना पिलाना हराम है, पी के नशे में बहक जाना हराम है। ना राम को मिलता है, ना मिलता है बुत खाने में सकून मिल तो साकी तेरे मैखाने में। मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। मेरे अहबाब पीने से तौबा न कर, ऐसा मौका दोबारा मिले ना मिले। मेरे We'll be right back.